नमस्कार, मेरा नाम रुपेश। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे हरदा की। हरदा पूर्णिया में ही आता है और पूर्णिया का एक अनुमंडल है। इस जगह पे कई सारी समस्याएं हैं। आज ग्राउंड रिपोर्ट में एक हमारे संवाददाता सचिन, ये जुड़ेंगे हमारे साथ और उनसे अभी लाइव रिपोर्टिंग करेंगे और जानेंगे कि क्या है वहां का हाल समाचार और इस बार का विधानसभा का चुनाव में क्या क्या मुद्दा लेकर हमारे विधायक जी और नेता जी वहां पर पहुंचेंगे। चलिए सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पर क्या क्या समस्याएं हैं। सर, समस्या सबसे बड़ी समस्या ये है कि हरदा बाजार के जाम की जो समस्या है वो काफी समस्या है। दूसरी समस्या है रोड की समस्या, जो हमने मतलब ये ग्रामीणों से जो मैंने बात की उससे मैंने इंटरव्यू भी ली, इसका खबर भी मैंने कई बार चला चुकी है। तो इससे पता चलता है कि वो लोग का कहना है कि कभी विधायक या मुखिया या और जो प्रतिनिधि हैं सांसद, जब समय जब आती है इसका, तो जो है उसका हम लोग जब समय उसका इलेक्शन पाता है तो यहाँ पे जो है वो वोट मांगने के लिए सिर्फ आते हैं और फिर दोबारा वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण जो हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। एक बार जाने के बाद फिर दोबारा वो लोग हम लोग को देखने तक यहाँ नहीं आते हैं। और बारिश के समय इतना रोड जगर मतलब पड़ा हुआ होता है, मतलब कितनी बार हम लोग इस न्यूज़ को चला चुके हैं लेकिन किसी का इस न्यूज़ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपका कहना है कि जो हालत जो है, अगर पूर्णिया शहर के एक बिल्कुल सटे हुए एक जगह की बात कर रहा हूँ मैं, हरदा की, हरदा में कई लोग, एक टोल प्लाजा भी बिल्कुल हरदा से सटा हुआ ही है। और आपको मैं बता दूं कि जो कई प्रमुख शहर जाने का रास्ता हरदा होके जाते हैं हम लोग। अब जैसे अगर आपको भागलपुर जाना है, नौगछिया जाना है, बेगूसराय जाना है, तो आपको इवन पटना भी जाना है तो आपको हरदा होके ही गुजरना होता है। और हरदा की सड़क की हालत कैसी है ये अभी हमारे संवाददाता सचिन ने अभी बताया कि पूरी तरीके से कंजेस्टेड एरिया है। अच्छा, वहाँ पर जो सब्जी मंडी है उस सब्जी मंडी के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, सब्जी मंडी जो फल की मंडी है, मैं आपको सामने रूबरू करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैमरे में कि ये सब्जी मंडी का ये हाल है। और ये सब्जी मंडी के देखते हैं गाड़ी का जाम लगी हुई है और कितना समस्या है। और कुछ दिन में ये हरदा हाई स्कूल के फील्ड में जो सब्जी मंडी का लगाया जा रहा था, कुछ ही लोग सब्जी मंडी वाले का कहना है कि जब तक हम लोग को ये उत्तर का जो हम लोग का हाट का जमीन है, जब तक वो हाट का जमीन हम लोग को नहीं देंगे तब तक जो है हम लोग सब्जी मंडी यहाँ पे रोड पे ही लगाया करेंगे। तो हम मुखातिब होते हैं सब्जी मंडी, जो सब्जी जो बेच रहे हैं उससे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीलम देवी। तो सर, हम बताना चाहेंगे ये सब्जी मंडी का हाल, तो ये इतना बुरी हाल है इसका, ये रोड का जो कि नेशनल हाईवे 51 ये कहा जाता है, और काफी यहाँ लोगों की दिक्कत होती है और परेशानी होती है। और कोई भी प्रशासन, कोई भी अधिकारी अगर आते हैं, लाल बत्ती गाड़ी आते हैं तो रोड खाली नजर आती है। उसके बाद जब चले जाने के बाद अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है हरदा में तो उसको पूर्णिया जाने के लिए सोचना पड़ जाता है, हो इसकी यहाँ मृत्यु भी हो सकती है। बात रही सदर हॉस्पिटल की भी समस्या इतनी खराब है जिसका किसका कोई हिसाब ही नहीं है। और CS साहब से कहते थे, CS साहब इस पर ध्यान नहीं देते। हरदा एक ऐसी जगह है जहाँ की ताजी सब्जियाँ और काफ़ी मछलियों का भी वहाँ पे बहुत व्यापार होता है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर सड़क के किनारे में ये लोग, जो क्या उन लोगों को जमीनें आवंटन हुई है या नहीं हुई है? आवंटन जो है सर वो हरदा हर चीज है, लेकिन वो लोग जो यहाँ के जो हैं जितने ग्रामीण है वो उसको इसका कैप्चर में है, इसलिए वो नहीं खाली हो रहे हैं नहीं सब्जी मंडी। मतलब यहाँ आपका कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ की जो जमीनें हैं
तो मतलब कि जो हरदा के जो जितनी भी सब्जी मंडी है और जितनी तरह की दुकानें हैं, उन दुकानों के लिए जो जहां पर जमीन आवंटन हुआ है, वो जमीन को हस्तक्षेप करके अवैध निर्माण करके वहां पर लोग रह रहे हैं। जी जी जी, अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसके कारण जो है कि सब्जी मंडी और फल की मंडी और लीची, जब जब फल का समय आता है, जब सीजन आता है, लीची हो चाहे आम हो चाहे किसी भी फल होता है, चाहे तरबूज का फल हो, कोई भी हो, रोड पे ही ये लोग जो है लगाया करते हैं। इसके कारण आवागमन में आदमी को काफी परेशानी हो रही है, इसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है और आदमी यहाँ का परेशान है, जो भी ग्रामीण है। और यहाँ पे 8-10 पंचायत के लोग आते हैं, यहाँ का ट्रांजेक्शन 25-50 लाख ही कहा जा सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है यहाँ का ट्रांजेक्शन का। जी, आप सुन सकते हैं, यहाँ पर शासन और प्रशासन दोनों ढीले पड़े हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में जब उनको जमीन आवंटित है तो पब्लिक क्यों परेशान हो इससे? पब्लिक की परेशानी को कौन समझेगा? अगर शासन और प्रशासन को ये बात पता है तो मैं उन लोगों को एक बार फिर से सचेत करता हूं और उन लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अब तो आप जाग जाइए और देखिए क्या है आज का हाल। और हमारे विधायक जी, कृपया करके आप भी एक बार दर्शन दे दीजिए, वहां पर आपके तो दर्शन दुर्लभ हैं। अच्छा, व्यापारी संगठन, मैं व्यापारी संगठन के किसी अध्यक्ष वगैरह से मेरी बात करवा पाएंगे क्या आप? के व्यापारी अध्यक्ष हैं अमित कुमार राज उर्फ ललन जी, उनसे हम मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं कि वो क्या कहेंगे। ललन जी आप बताइए, ललन जी आप ये बताइए कि ये समस्या आपका जो है कब से है और कैसे है और क्यों है? शुरू से मेरा समस्या आज का नहीं है, आज जब हाथ लग रही है हड़ताल में उस समय का ये समस्या है। जब तक हाथ का जमीन अंदर में हो या हाथ का जीवन धार अंदर चले जाए तो समस्या काम का खत्म हो जाएगा। जब तक समस्या एक ही हाथ में खत्म हुआ, जब तक वोट से आदमी अंदर नहीं जा रहा है तब तक के लिए ये हाल रहेगा। अगर जहाँ ऐसा लगता है कोई ड्राइवरी पर जहाँ से निकले तो कष्ट हो जाता है, 1.5 घंटा लग जाता था निकालने में। अभी तो रास्ता ठीक है, लॉकडाउन में चले गया था हाथ हाईस्कूल, उसके बाद आने वही हाल हो गया। रोड की समस्या आप क्या बता रहे हैं, रोड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? रोड के विषय में हम ये कह सकते हैं, रोड का हाल बहुत खराब है। आप यहाँ बजरंग बली के मंदिर है ना, सतुरिया में धमदान करने वाली रोड, उसका पूरा हाल खराब है, हाल खराब है। पानी आने से झरना पर उस पर पानी लग जाता है, झरना पर पानी लगने के बाद कोई आदमी ना जाए या ना टेम्पू उधर से आए या ना व्यापारी जाए या ना व्यापारी आएगा, इस कारण से पूरा रोड वाला ध्यान नहीं दे रहा। वो जो है डायरेक्ट आपका धमदा निकलते क्या होते हुए धमदा निकलते हुए रोड का हुए हाल, बहुत कम से कम 50% का आबादी आते जाते। जी 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 जी, शुक्रिया आप अभी जुड़े थे सचिन जी से। सचिन जी अभी हमारे संवाददाता जो कि ग्राउंड रिपोर्ट पे हमें रिपोर्टिंग दे रहे थे। अभी हम लोग पूर्णिया सदर एरिया की बात कर रहे हैं। पूर्णिया सदर में अभी हरदा की बात की गई, उस हरदा में सड़क की समस्या एक बेसिक नेसेसिटी होती है, एक जिसको कहते हैं ना छोटी सी ज़रूरत, उस छोटी सी ज़रूरत में आती है सड़क की समस्या। इस सड़क की समस्या में इतने बड़े बड़े गड्ढे। पूर्णिया एक ऐसा जिला है जो पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के बाद एक बहुत बड़ा शहर है, और इस शहर के आसपास के एरिया में, जैसे मैं हरदा की बात करूं, हरदा मछली के व्यापार में, सब्जी के व्यापार में और भी होलसेल मार्केट में बहुत आगे है। मखाना की खेती वहां पर बहुत अच्छी होती है, और इन सब परिस्थिति में अगर वहाँ पे रोड की समस्या होगी, वहाँ के पंचायत को जाकर हमारे विधायक जी कभी सचेत नहीं करेंगे। अगर उन पंचायतों में सड़क बनने का, निर्माण करने का कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी तो कैसे काम होगा? अभी आपने जितनी बातें देखी, जितना रिपोर्ट देखा, उस रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि हमारे विधायक जी के दर्शन दुर्लभ हैं। कब जागेंगे जब विधायक जी, पता नहीं। लेकिन मैं हर एक दर्शक को, हर एक जनता को ये सचेत करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि वोट सोच समझ कर दें, और अगर वोट दें तो
तो उनसे पूछे कि हमने आपको अपना कीमती वोट दिया है, इसका हमें जवाब चाहिए, इसकी कीमत चुकानी होगी आपको। धन्यवाद, आपकी बात हो रही थी अभी रुपेश से।